ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुझे गोली लगी, मार डाला इन लोगों ने, मार डाला मुझे, गोली लगी। हेलो मैडम, आप ठीक है ना? अरे सुनिए, ठीक है आप? सरदार देखिए, मैंने अपने गिरोह के खातिर अपनी जान दे दी है, अब मुझे ना स्वर्ग में जगह मिलेगी, स्वर्ग में। लेकिन मैं वहां पे अकेले कैसे रह सकती हूँ? सरदार आप भी जल्दी आइए ना, आइए। रुक्मिणी बहन, और मेरे नाम पे जो इनाम है ना वो। चुप, बिल्कुल चुप, और चिल्लाया नहीं। सरदार की आवाज कैसे बदल गई? तो सरदार, अरे मैडम आप जिंदा हो, और खुशकिस्मत है कि आपको गोली नहीं लगी। नहीं नहीं, मैं सुबह सुबह के 6 बज गए हैं, वैन आते ही इनको कस्टडी में ले लेंगे। हेलो, डाल दो सबको वैन में। अरे मत करो, क्यों? अम्मी हम तो बस खेल रहे थे। खेल वो भी असली गन से। ऐसा इनके कहने का मतलब ये है कि हम मजाक कर रहे थे। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ भी कहना है थाने जाकर कहना। ले चलो सबको, बैठाओ वैन में। इधर इधर, हम अभी मरीज को फोन करते हैं। माँ जी, हाँ? फोन करके कहेंगे क्या उनसे? मैं कार्तिक को फोन लगाती हूँ। कोई भी फोन नहीं करेगा, सबके मोबाइल ले लो सर। अरे सर, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैडम सुबह के 6 बज चुके हैं, हम आपको कस्टडी में ले सकते हैं। रेस लगाए यहाँ से गांधी चौक तक। गुड आइडिया, चलो पता भी चल जाएगा किसमें कितना दम है। हाँ बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं है सबकी, ऑलरेडी आपके जोश के चक्कर में एक बार मुसीबत में पड़ते पड़ते बचे हम लोग। प्लीज रिलैक्स गाइस। हाँ देखिए, सुबह के 6 बज गए, चलो घर चलते। अरे कैसे नौजवान बच्चे हो तुम, कोई एंथुसियाज्म ही नहीं है ना, फुल ऑफ लाइफ यू गाइस। एंथुसियाज्म बहुत है, पर साथ में दिमाग भी है थोड़ा। जी हाँ अंकल, और हम जो भी करते हैं ना बहुत सोच समझ के करते हैं। अरे बेटा रेस करने के लिए सोचने समझने की क्या जरूरत है, अब तो पक्का करेंगे। बात तो ठीक है नक्श, मैंने भी बहुत सालों से नहीं चलाई है, कम ऑन लेट्स डू इट। अरे मत, प्लीज एक सेकंड प्लीज मेरी बात सुनिए, कोई कोई रेस नहीं करेगा। पापा प्लीज रुक जाइए। सुबह सुबह इतने लोग, वो भी बाइक के साथ, क्यों क्या करने का इरादा है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हाँ लगता है ये उसी गैंग के लोग हैं जिनकी पिछले दिनों बहुत शिकायतें आ रही हैं। अरे रात को बाइक रेसिंग करते हैं लोग, परेशान करते हैं पब्लिक को, अरे सोने नहीं देते हैं लोग। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई। चलो अपने अपने लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस तो देखिए, वो लाइसेंस तो नहीं है वहाँ, नहीं नहीं है हमारे पास। आप नहीं, हम मेरा भी घर पे रह गया है। सबको अंदर करो, जल्दी चलो अंदर। लेकिन किस जुर्म में, हमने क्या किया है? एक तो पब्लिक रोड के ऊपर रेसिंग करना अलाउड नहीं है, दूसरा आप लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। हम कहाँ रेस लगाते, हम तो घर जा रहे थे। हाँ। बच्चे हैं, बच्चे ने कहा कि डैडी रेस लगाते हैं। हाँ। तो लगा नहीं बेटा, बी रिस्पॉन्सिबल, सड़क पे धीरे चलना चाहिए, तो धीरे धीरे घर जा रहे थे। एग्जैक्टली। हाँ। नहीं, तुम लोगों के अंदर लगता है ज्यादा जवानी छाई हुई है। हवलदार इन लोगों को अंदर करो और ले चलो थाने। ये क्या बात हुई इंस्पेक्टर, आप हमारी बात तो सुनिए। थाने चल के तसल्ली से सुनूंगा। अरे ये क्या बात हुई, रुके मैं मंत्री जी को फोन लगाता हूँ अभी। फोन लो सबके, सबके फोन लो, फोन दो अपने अपने, चलो। अरे ये कर रहा है भाई, साहब के सामने फोन कर रहे हैं। अजीब जबरदस्ती है भाई, शरीफ लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। अरे आप तो बिना जुर्म के ही जेल में डाले जा रहे हैं। आप जानते नहीं कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, गोयनका हूँ मैं। अच्छा गोयनका, भाई देख नाम तो मारा भी दीपक गोयनका है, तो
अरे नीचे आजा, चल 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 गाड़ी में बैठ। देखिए ये आप सही नहीं कर रहे हैं। हाँ। उतरिए चलिए। चलो 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 चलिए सब लोग चलो 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 जल्दी चलिए चलिए चलो लाइन लगाओ। क्या हुआ राणा, कौन है ये लोग? सर ये लेडीज खुलेआम गोलियां चला रही थी। आप प्लीज प्लीज पहले हमारी पूरी तरह से बात सुन लीजिए। वो हम लोग हैं हम लोग है ना, पार्टी कर रहे थे, घरेलू पार्टी। हाँ। और उसमें डाकू पुलिस खेल रहे थे, पर उसमें वो असली गन कहाँ से आई हमें नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता जी इंस्पेक्टर साहब, आप देखिए ना, ये बाकी सब तो टॉय गन्स है, तो हमें लगा कि ये भी। एक मिनट, आप लोग डाकू और पुलिस खेल रहे थे? हाँ। वो भी इस उम्र में? हाँ, मतलब वो। और ये असली गन कहाँ से आई ये नहीं पता तुम्हें? ऐसा कैसे हो सकता है सर, उनको पता ना हो? मतलब घर में ही थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये असली है। आप खुद ही सोचिए ना सर, हम अपने ही फैमिली मेंबर को क्यों मारेंगे। हम बहुत अच्छे घरों से हैं, बिल्कुल शरीफ। और कितने शरीफ घर के हैं वो तो दिख ही रहा है। अब सर सर आप प्लीज हमें एक फोन करने दीजिए, आपको सब पता चल जाए। हाँ प्लीज सर, प्लीज सर, देना ही चाहिए एक फोन। बस चुप हो जाओ और सबके सब उधर जाके खड़े हो जाओ, जब तक मैं ना बुलाऊं कोई नहीं आएगा। जाइए इधर। जाइए। चलो किधर? क्या ये पुलिस वालों ने तो पूरा मजा ही खराब कर दिया। इस समय आपको मजे की पड़ी है? जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, हम घर जाके हम क्या मुंह दिखाएंगे? इस बुढ़ापे में ये दिन भी देखना लिखा था। किसी ने अगर हमें देख लिया इन कपड़ों में पुलिस स्टेशन में, तो खानदान की इज्जत तो पूरी पानी में मिल जाएगी भाभी माँ। हाँ दिव्यानी बहन, घर जाके पति और बच्चों को मुंह क्या दिखाएंगे? अरे यहाँ आप लोगों को अपनी इज्जत की पड़ी, यहाँ मेरी जान पे आई थी, मेरी जान चली जाती तो। I'm sorry, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। नायरा ऐसा कुछ नहीं है, तुम गिल्टी फील क्यों कर रही हो? हाँ जो कुछ भी हुआ उसमें हम सबकी मर्जी शामिल थी, तुमने अकेले ने क्या किया है? सॉरी नायरा, हम तुम्हें दोष नहीं दे रहे, बस सब लोग इतने टेंस हैं कि। नहीं बुआ, कुछ कहा नहीं किसी ने, पर कहीं ना कहीं सबकी वजह तो मैं ही हूँ। नहीं नायरा, उस हिसाब से तो ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये मेरा फेवरेट गेम था और आप लोग मेरे लिए ही तो खेल रहे थे। आप प्लीज कोई भी गिल्टी फील मत करो नायरा, तुम भी नहीं, जो होना था बस हो गया। कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा है ना नायरा आजकल, हर जगह कोई ना कोई गड़बड़ हो ही रही है, तो ये भी। देख बेटा ऐसा मत समझो। आओ भी जल्दी जल्दी आओ, और रेसर गैंग आ जाओ। कार्तिक बाकी तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि लोगों के यहाँ बच्चे गलती करते हैं और बड़े सुलझाते हैं, और हमारे यहाँ तो उल्टा ही होता है। ऐसे थोड़ी, Thank you.
इतनी सारी महिलाएं, वो भी पुलिस थाने में? मैं भी वही सोच रहा हूँ। एक तो इतनी सारी लेडीज हैं और उसे इतने अजीब कपड़ों में। आगे आइए आप लोग। हाँ 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 आगे आइए। हाँ ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है?